लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। This is looking so pretty. ये क्या है बेटा? घर है मम्मा। Beautiful. I love you, बेटा। नहीं बेटा, आज तुम्हारा स्कूल है ना। गुड बॉय। लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। मम्मा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। नहीं आना, जाओ। सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। फिर शहजादी इस झील में नहाकर ठीक हो गई। ठीक हो गई? मम्मा सोने पर दिखो। प्लीज हेल्प मम्मा।
पौना छप्पर है तो क्या, घर पे खुले आम आती है हवा, सीली सीली गीली शक्कर है तो क्या, भूखना मीठी चाय का मजा, देवभूमि की ये माया, भूल जाते सब क्या खोया क्या पाया, आधा भी ज्यादा है यहाँ, जीना बड़ा सादा है यहाँ, खुश रहना आसान है यहाँ, आधा भी ज्यादा है यहाँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार। सब ठीक? मैं ले जाऊँ? हाँ हाँ ले जाऊँ। खाली जेब पर कोई ना उदास, देवो का यहाँ है वास, रे कोई ना फिक्रे आस पास, यहाँ साथ में बहती प्यास, ओ सुन ले बंदे, पहाड़ी सच्चे बंधु मीनाक्षी, कैसी हो? बढ़िया भैया, शौक क्या है? चाची कैसी हो? ठीक है। शॉल ही बनाते रहना, खाना मत देना मुझे। अब मैं खाती है। क्या खिलाओगी? चिकन। मैं आऊंगा। नहीं भूलूंगा। थैंक यू मीनाक्षी, बाय चाची। आधा भी ज्यादा है यहाँ, सादा है यहाँ, खुश रहना आसान है यहाँ, आधा भी ज्यादा है यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप उजीधार। आज आपका कैंप में पहला दिन है, and I assure you, आने वाले चार दिन आपके लिए काफी exciting होंगे। पागल है क्या? ऐसी मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। पहले से बचपन से ही ऐसे करता है। मजाक ही था। मजाक। लंबा सफर करके आज यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए breakfast करके आराम कीजिए। हम शाम को फिर यहीं मिलेंगे और एक light forest and meadow track पर जाएंगे। I hope everything is clear. Yes sir. Thank you. अब आप जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार बेटा। करण। हाँ जी। ग्रुप सी आइस क्लाइंबिंग के लिए देवटीबा ग्लेशियर जा रहा है। हाँ जी। और तुम्हें तो मालूम ही है वहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग और टेक्निकल सेक्शंस है। पता है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रुप को सेफ्टी ब्रीफ करो। हाँ जी, मैं कर लूँगा अंकल। ठीक है, टेंशन मत लेना आप। अदिति, कितना टाइम लगाओगी? मैडम जी, सबसे पहले ये बताइए सहर सेठी अपने आप को समझती क्या है? मिस्टर कुकरेजा, सहर सेठी हमारी नंबर वन वी लॉगर है। ना जी ना, नंबर वन फ्रॉड है जी। वो गेस्ट बन के आई थी हमारे रिजॉर्ट पे, अतिथि देवो भव किया था हमने उसका। कहाँ है सहर सेठी मैडम? सहर सेठी आज छुट्टी पे है। निमो आंटी। सहर पुत्र, तू शादी कब कर रही है? हर चीज का ना एक टाइम होता है। ओके आंटी, कर लूंगी। कोकी अंकल, कितनी बड़ी हो गया तू। याद है बचपन में मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया करता था? आजा आजा, तो फिर डाल एक बार अंकल को। गॉड, सुखो आंटी। हे सहर बेटा, तुम्हें पता है मेरी शनाया मिस कनाडा के लिए सिलेक्ट हो गई है। मेरी शनाया पीएचडी भी कर रही है। अरे और तो और, मेरी शनाया पे चल सकती है, पूरियों को हाथ से तल सकती है, वर्ल्ड पीस ला सकती है शनाया। हे सहर, एंगेज शनाया रूम किसके साथ शेयर करने वाली है? सहर के साथ। आप लोगों ने सारे बिजनेस का सत्यानाश करके रख दिया। I need your help. आप तो कह रही थी छुट्टी पे, तुम सब फ्रॉड हो जी। लुक मिस्टर कुकरेजा, मैंने अपने रिव्यू में कुछ गलत नहीं दिखाया है। आप लोग डिनर में पनीर सर्व करते हो और सुबह उसी कॉटेज चीज पार्टी का नाम देके गेस्ट पे चिपका देते हो। इसे बिजनेस कहते हैं।
उसे चीटिंग कहते हैं। अब समझ में आ गया, वो हैप्पी होम रिजॉर्ट वाले आपको कितने पैसे देते हैं हमारा नाम खराब करने के लिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर कुकरेजा, टेक योर वर्ड्स बैक, यू डोंट नो मी। ओ जी, यू डोंट नो मी। तुम लोगों को मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, बाय गॉड। अरे मिस्टर कुकरेजा, जूस तो पी लीजिए, हमारे यहाँ फ्रेश मिलता है। विशाली एंड हीरन असाइनमेंट एएसएपी। क्या हुआ? इस वीकेंड हमारी एनुअल सेठी फैमिली गेट टुगेदर है। I can't stand my relatives, they chew my brains out. इस बार दादी ने बचाया नहीं? नहीं यार, I'm really sorry. एक ही आउटस्टेशन असाइनमेंट था जिसके लिए कल रोहन जा रहा है। रोहन? Great! रोहन, I'm taking assignment. But मैं उसके लिए दो हफ्ते से prepare कर रहा हूँ यार। तुम्हें मेरी best friend नताशा पसंद है ना? नताशा? रोहन, रोहन, असाइनमेंट। कैंप ऊजी धार, वाओ, व्हाट अ नेम। ये कैंप कंट्री का बेस्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस करता है। रियली? या वैसे इसमें काफी नॉर्मल टूरिस्ट पैकेजेस हैं, बट इनका एक एक्सक्लूसिव सोलो ट्रिप पैकेज है जिसके बारे में आजकल काफी हॉटशॉट सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन बात कर रहे हैं। हैव अ लुक। या श्योर। For the most amazing trip of my life. Overwhelming. Unreal. Thanks for making me believe in you. See, this just goes on and on. Charges pata hai? Yeah. 5 lakh? What the? Itna paisa? Imagine. Ye 100% scam hai. I'm telling you. Hey, sir. Hi, sir. Hey, sir. Hey, I'll join you guys. Yeah. Yaar. सहर, हमारे ब्रेक को 15 दिन भी नहीं हुए और तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। क्या करूँ विरेन, यू आर सो इररेसिस्टिबल। क्या हो गया बीबी? यू नो, यही गुस्सा तुमने अपने पिछले रिव्यू में निकाल दिया ना, सीरियसली मजा आ गया। विरेन! या आई एम कमिंग, यू गाइस वांट टू जॉइन अस फॉर अ ड्रिंक? नो, वी हैव वर्क। ओके। Hey, the bill's on me. Enjoy, guys. Enjoy. इसे ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? What happened? इन दोनों ने एक महीने का ब्रेक लिया। Don't worry, baby. हम दोनों ऐसे ब्रेक्स कभी नहीं लेंगे। Okay, Natasha, मनाली शॉपिंग यहाँ। मनाली? जी पापा। वो भी कल? जी चाचू। बेटा हमारे सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, कितने साल हो गए तुम किसी से मिली भी नहीं हो, ये क्या बात हो गई? सहर, इस बार हमारी फैमिली की बारी है ऑर्गेनाइज करने की, अगर तुम नहीं रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। पापा, इस बार मैं जेन्युइनली प्लानिंग में हेल्प कर रही थी, है ना दादी? हाँ, मैंने इसकी लिस्ट देखी है, बहुत मेहनत कर रही थी हमारी पिन्नी। वो ऑफिस में कुलीग की अचानक तबीयत खराब हो गई, अब अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा ना। कब लौटोगी? एक हफ्ता तो लग जाएगा। पिन्नी ने बताया मुझे। दादी और उसकी पिन्नी। रेडी फॉर मनाली? देखा भाई, सब देखा, सब कुछ पहले से ही प्लान था। पापा, मैं आपकी परमिशन के बिना कैसे जा सकती हूँ? वो तो टाइम कम था ना, तो नताशा को भेज दिया। यस अंकल। आई मीन, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ। थैंक यू पापा। अगले साल पक्का। बाय। पर भाई साहब, आप इसे ऐसे कैसे? हम उस जमाने में रहते हैं जहां आजकल के बच्चे माँ बाप से कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझते। इसने तो कम से कम परमिशन मांग ली। ये परमिशन मांग रही थी? हाँ, झूठे मुंह ही सही। हेलो। हाँ दीदी। हाँ करण। बोलो। यार सब कुछ फिर से रिवर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? यार रोहन वर्मा की जगह मिस सहर सेठी आ गई है। वो भी लॉगर। चल तुझे आके सारी स्टोरी बताती हूँ। ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली कितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ एवरी ईयर? डिपेंड करता है सीजन पे, 20 से 100 लोग। वेलकम टू कैंप जीदार। थैंक यू सहर, ये मेरे फादर हैं। ओह हेलो अंकल। आओ बेटा आओ, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आप ड्रिंक लीजिए एंड फील एट होम। नमस्ते। एंड एक्सक्यूज अस, अदिति दो मिनट में वापस आ जाए। ओके। अदिति जो नया ग्रुप आया हुआ है जी, उसकी आउटिंग्स प्लान करनी है और आपको वहाँ जाना। हाय, तुम सोलो ट्रिप पे आए हो? I'm always tripping solo, bro. I just love. Excuse me. यहाँ का accommodation कैसा है? हम तो honeymoon मनाने आए हैं जी. कल first night थी, आज second night है. ये क्या बोल रहे हो तुम? Hi. Hi. तुम उस group के साथ हो? नहीं. Oh, fantastic. मतलब तुम सोलो ट्रिप पे गए थे? या ग्रेट स्कैम है ना ये ट्रिप। आप कौन? सहर सेठी, आई व्लॉग फॉर india.com। ओ या या या, रियली सॉरी, चश्मे के कारण पहचाना नहीं। कम प्लीज सिट। एक दो बाइट्स ले सकती हूँ इफ यू डोंट माइंड? श्योर, गो फॉर इट। सी यू रेडी? यप। सो हाउ टेरिबल वाज योर एक्सपीरियंस विद कैंप उजीदार? What to tell you? Complete scam hai ji. So basically it's not worth the money at all, right? Right. Ek paisa bhi vasool nahi hua. Ye itna charge kis cheez ka karte hai? Pahar to hazaron saalon se wahi hai. Camp Ujidhar ne thodi na banaya hai. Correct, I completely agree with you. Actually you know what? Say it on the camera. Camp Ujidhar, I want my money back. Okay, cool. Camp Ujidhar, I want my money back. Back. That was great. Thanks. तुम प्लीज इन लोगों को एक्सपोज कर देना। Of course. I'll run a hashtag और ये वायरल हो जाएगा। That'll be great. What to tell you? Complete scam. Best luck. एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ। ये इतना चार्ज किस चीज का करते हैं? वो ऐसे ही तुम करण से मिल चुकी हो। करण? Oh, the tourist. Yeah, sweet guy. नहीं नहीं, वो टूरिस्ट नहीं है। He's Karan Sehgal, कैंप उजीदार का मालिक। What? तुम ट्रैक पे उसी के साथ तो जाओगी। Good evening, Miss Sethi. Good evening. Please, have a seat. Here. Let me explain the trek to you. 5 days ka trek hoga. Trek se pehle you'll have to undergo some basic training, jisme Aditi help karegi. Training se pehle tumhe kuch documents sign karne honge. Just go through it. Ye kya hai? It's just a basic formality. कि अगर ट्रिप में किसी एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी टांग टूटती है या तुम्हारी डेथ हो जाए, he will not be responsible. What? अरे चिल, ऐसा कुछ नहीं होगा. As he said, it's just a formality. But still, I mean. Relax, you're totally safe. तुम्हारी ट्रेनिंग कल 5 बजे सुबह शुरू होगी. सुबह? Sorry. Before we begin the training, few questions. Do you smoke? No. Any heart problem? No. Actually, I'm on a break with my boyfriend. अच्छा, चलो अब तुम्हारा स्टेमिना चेक करते हैं। यहाँ से कॉटेज तक तुम जॉग करोगी। That's easy. I run 3 kilometers on the treadmill. Go for it. Watch me. ऊंचाई पे यहाँ ऑक्सीजन कम है, सो गो स्लो। I'm so sorry. Hi guys, this looks like the kitchen area. My corner. So not hygienic. White bread. So unhealthy. बंद दरवाजा। Oh, this is a little baby. Yuck! Oh, God.
तुम्हारे यहाँ लिविंग रूम की जगह तबेला है। वेलकम टू मनाली। मॉर्निंग मिस सेठी, 15 मिनट में तैयार हो जाओ, योर ट्रिप बिगिंस नाउ। व्हाट? आई सेड 15 मिनट। चॉपर, इतना चार्ज करते हो, कहीं तो जस्टिफाई करना होगा। हैड टू जस्टिफाई इट, गोप्रो। But why? मेरे पास मेरा फोन कैमरा है। It's basically to record your trip. One second. Here, push it in. Here. See. Oh, fancy. ये हेलमेट भी पहन लो, इसके ऊपर भी GoPro है। All done? Yeah. Let's go. Let's go. Look at the view, Miss Sethi. Isn't it worth it? Those are the snow-capped mountains over there. They start from that end and they go on to end over there. Look at the sun rising over the mountain peaks. It's amazing, isn't it? Thanks. Did you enjoy the ride? Listen, dude, मैं ये chopper whopper से impressed नहीं होने वाली। पहली बार नहीं बैठी हूँ। हर साल दादी के साथ वैष्णो देवी जाती हूँ chopper में। To and fro, got it? दादी जी की मन्नत पूरी नहीं हो रही है लेकिन। What do you mean? I mean, जब दादी जी और माता रानी दोनों ही fail हो गए तुम्हें सुधारने में। Have a very tough journey ahead. Mr. Karan Sehgal, this is war. Here, take my hand. I don't need your hand. सांस चढ़ रही है, थोड़ा आराम भी कर सकती हो। सांसें इसलिए जल्दी चढ़ जाती है क्योंकि हम एल्टीट्यूड पे हैं। अपने आप को इतना पुश मत करो, वरना एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है।
बैग्स में सिर्फ अनवांटेड सामान फेंक रहा है। ये मेरी समझने की कोशिश करो। अगर ट्रैक पे कंटिन्यू करना है तो मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। यहाँ बॉस मैं हूँ, वरना अभी चॉपर बुला लेता हूँ और ट्रिप खत्म। तुम्हारी मर्जी। मुझे मेरा मेकअप बैग चाहिए। मेकअप की क्या जरूरत? अगर तितली होता ना तो बताती। क्या? नथिंग। पहाड़ी अपने आप को समझता क्या है? मैं सहर सेठी हूँ। You realize that? I'm सहर सेठी। सर, मैं बात क्यों कर रही हूँ? पागल कर दिया इसने। अदिति, चेकपॉइंट वन पे कुछ अनवांटेड सामान है। Just get it picked up. ये लो, तुम्हारा बैग हल्का हो गया है। Thank you so much, boss. क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ, बॉस? ओके। नट्स। थैंक यू बॉस। मुझे मेरा वीलॉग बनाना है, तो कृपया मेरी फ्रेम से बाहर रहना, ओके? हाय गाइस, आज मेरे ट्रैक का फर्स्ट डे है और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जगह बहुत सुंदर है। बट गेस व्हाट, देयर इज ऑलरेडी अ वॉर गोइंग ऑन between Karan Sehgal and Saher Sethi. And the score is Saher 1, Karan 0. Usse laga, main apna saman itni aasani se chhod dungi. He said wo sara unwanted hai. Lekin main apna makeup itni aasani se nahi chhodne wali thi. Ab aap hi bataiye, ek ladke ko iski importance kaise pata hogi? Eyeliner lagana saans lene jaisa hota hai. समझ लो, आईलाइनर नहीं तो आंखें ही नहीं। गाइस, आई टॉक टू यू। मिस सेठी, तुम ठीक हो? हाँ, बस माइग्रेन होता है कभी कभी। अभी फाइन। मिस सिटी, ये माइग्रेन नहीं है, ये एल्टीट्यूड सिकनेस है। मुझे एल्टीट्यूड सिकनेस है। मिस सिटी, मुझे साफ दिख रहा है कि तुम्हें एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है। बचपन से है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मिस सिटी, तुम्हारे लंग्स में पानी भर जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे यहाँ ज्ञान बांट रहे हो, ठीक हो जाऊंगी। ओ गॉड। मिस सिटी, पानी लो, रिलैक्स। मिस सिटी, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है, इस हालत में ट्रैक कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं चॉपर बुला रहा हूँ। नो वे, हम ये ट्रैक खत्म करके ही जाएंगे। मिस सिटी, आई अप्रिशिएट योर डिटर्मिनेशन, बट हमें वापस जाना ही होगा। तुम्हारा ट्रिक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ही था ना? गिव मी दैट एक्सपीरियंस। मिस सिटी, समझने की कोशिश करो, मैं ये रिस्क तुम्हारे साथ नहीं ले सकता। मिस्टर करण सेगल, ये तुम्हारा जॉब है ना, तुम डू इट, क्योंकि सहर सेठी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती।
हाँ दीदी, अगले 4 घंटे में मैंने फोन नहीं किया तो रेस्क्यू टीम भेज देना। क्या कर रहे हो? I'm sorry, Miss Sethi. जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे, यू फील बेटर। और कितना नीचे उतरना है? माय हेड। रस्सी अटक गई है, मुझे जाकर निकालना होगा। छोड़ रहा हूँ, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। सिटी, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, काम डाउन, काम डाउन। वो राइट वाला ऑरेंज रोड दे दो मुझे। मिस सिटी, thank you.
be fine at this altitude, Miss Sethi. Miss Sethi, 4 hours से सो रही थी. You're feeling any better? Better. मैंने कहा था मैं medicine से ठीक हो जाऊंगी. Medicine. चाय. Coffee नहीं है. No. तो score क्या हुआ? Saher 1, Karan 0. तुम्हें ये बात कैसे पता? GoPro. तो तुम्हें लगता है कि हम यहाँ स्कैम चला रहे हैं? Not exactly, but I have my doubts. यहाँ और भी तो कितने कैंप्स हैं, कोई तुम्हारे जितना चार्ज नहीं करता. तुम वहाँ भी जा सकती थी. अगर मेरा डिसीजन होता तो मैं यहाँ कभी ना आती. लेकिन मेरा ऑफिस पे कर रहा है क्योंकि उन्हें एक अच्छी स्टोरी चाहिए और मैं उन्हें एक अच्छी स्टोरी जरूर दूंगी. मुझे तुम्हारे रिव्यू की हेडलाइन ऑलरेडी दिख रही है. कैंप उजीधर या स्कैम उजीधर. ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक फेयर चांस दूंगी. Miss Sethi, one second, get up. We moving? Yes. Honestly, Miss Sethi, I really don't care. हाँ, लेकिन एक बात प्रॉमिस करता हूँ कि अगर ट्रिप पे मज़ा नहीं आया तो तुम्हारे सारे पैसे रिफंड कर दूंगा. ओके मिस्टर सेगल, लुक हियर, रिफंड रेडी रखना. ओके. सो पीपल, सहर सेगल नाउ हैज द बेस्ट करन सेगल. करन सेगल, Miss Sethi, कोई और रास्ता नहीं है. We have to go this way. करन, मैं ये नहीं करूंगी. तुम्हारी altitude sickness की वजह से हमें रास्ता बदलना पड़ा. You know, I bloody paid a bomb for this. तुम जबरदस्ती मुझसे ये नहीं करा सकते हो. Miss Sethi, we have no other choice. You know what? मेरे follow तुम्हारी website hack कर देंगे. You wait and watch. तुम अपने को समझते हो? करन, करन! सोच रही हो? चलो उठो. मैं नहीं आ सकती हूँ. I cannot do this, Karan. So you give up? चॉपर बुलाओ. चॉपर बुलाएगा? क्या बोला? सुनाई नहीं दे रहा. I'm gonna come there and kill you. Good. You have to come here first. Get used to it. Miss Sethi, पहले pink sling को attach करना, फिर उसके बाद रोप को पकड़ पकड़ के आराम से आना. There is no need to rush. इसे एक बार ही cross हो जाए, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि डर सकते. Slowly, slowly, step by step. I can't do this. Miss Sethi, तुम्हें कुछ नहीं होगा. बस वो कैरबीना तक, then you're halfway. Come on, Miss Sethi. You can do it. Don't worry, Miss Sethi. You're doing a great job. Karo mat. Tumhe kuch nahi hoga. Sachin, you have to keep your back to the wall. Calm down, Miss Sethi.
Calm down. It's all okay now, Miss Sethi. It's okay. टेंट तैयार है, कपड़े चेंज कर लो। ये क्या कर रहे हो? Catching dinner with Sethi. I love fish. I've got to catch. One second. Here, catch. What the hell, Miss Sethi? That was our dinner. I can't bear it! Okay, fine. No fish for you. Sorry for the way I'm looking. Mr. Karan Sehgal ने मेरा पूरा मेकअप छीन लिया और उसमें से जितना मैंने चुराया वो भी पानी में डैमेज हो गया. So I'll tell you all about day one. Finally आज मेरी ट्रिप शुरू हुई. मेरा दिन सुबह 5 बजे शुरू हुआ, that too without any prior notice. Unprofessional attitude. अपने कैंप के चार्जेस जस्टिफाई करने के लिए चॉपर बुलाया गया और फिर अपनी नॉलेज शो ऑफ करने के लिए मुझे एक हाई एल्टीट्यूड पर ले गए ताकि मेरा सर दुखे. और मैंने कहा मैं मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगी, बट नो, मुझे अपनी पीठ पे उठा के एक डेंजरस रैपलिंग कराई गई. आई मीन गाइस, आई कुड हैव डाइड. और उसके बाद फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में रिवर क्रॉसिंग कराई. यस गाइस, आई क्रॉस्ड अ रिवर टुडे एंड आई वाज टू गुड. आई मीन आप लोगों ने तो मेरे फिटनेस वीडियोस देखे ही होंगे और हर बात पे चॉपर बुलाऊं. ये क्या कोई ओला उबर टैक्सी है? सो इफ आई वर टू रिव्यू डे वन, आई गिव इट अ 1 star out of 5. This is Saher Sethi signing out. Good night. Audio log, day 1. Client number 84, Miss Saher Sethi. Extremely indisciplined. Isko uthane ke liye multiple alarm clocks lage. Attitude bahut hai. मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस का इलाज है, लेकिन इसका एटीट्यूड सिकनेस का नहीं है. और इसका ईगो यहाँ के पहाड़ों से भी बड़ा है. मतलब इसके ईगो से कोई छलांग मारकर सुसाइड कर सकता है, शॉर्ट डेथ. सो मैं भी इसे 1 star की रेटिंग देता हूँ. बट आई सीरियसली बिलीव इसमें पोटेंशियल है, एक फाइटिंग स्पिरिट है. नहीं तो अभी तक वापस चली गई होती चॉपर में. आई थिंक ट्रिप के एंड तक शुड बी अ चेंज्ड पर्सन. लेट्स होप फॉर अ बेटर टुमॉरो. करण सहगल साइनिंग आउट. मिस्टर करण सहगल, तो ये भी सुन लो, कल सुबह 5 बजे मत उठाना. Wake up, Miss Sethi. Wake up. Come, Miss Sethi. This way.
दुनिया का सबसे महंगा लॉजर है। जस्ट वेट फॉर माय रिव्यू। तुम्हारे करियर को ऐसे ट्रैक पे लेके जाऊंगी ना मैं। हिंदी फिल्में देखती हो, वो टूटा तारा नहीं सैटेलाइट है। शेड सैटेलाइट यार, ये क्या कर रहे हो? टेलीस्कोप। तुम्हारा स्टार साइन वर्गो ही है ना? या Here, Virgo Miss City. Have a look. कहाँ? तुम्हें पता है ना Virgo कैसा दिखता है? Yeah. बस आग को स्पॉट करो. Yeah, I can see it. Wow, I can see it. It's so beautiful. The Virgo girl. उनमें बहुत guts होते हैं. उन्हें इम्प्रेस करना आसान नहीं होता। उन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए होता है। बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। क्या? वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। मैंने कौन सी गलती की है? You were wrong in judging me. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, you just proved me right. Stop it! तुम बकवास कर रहे हो। ओह, वो को गुस्सा। I said stop. क्यों? सच सुनने में प्रॉब्लम है? You're just making stuff up. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपनी वीलॉग के लिए। No. So अब ये कैंप तुम और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड अदिति मिलके चलाते हो? हाँ, हम एक साथ मिलके चलाते हैं। और नो, अदिति मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बचपन की दोस्त है। सो तुम्हारी लाइफ में कोई है जो तुम्हें झेल रहा है? यस, एक्चुअली नो, इट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड। तो तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हो? यू नो व्हाट, आई एम डन। ये मेरा व्लॉग था और तुमने हाईजैक कर लिया। अरे इतने सवाल तो दादी नहीं पूछ रही जितने तुम पूछ रहे हो। हां, दादी की फेवरेट हो। दादी और मैं एक जैसे। दादी मुझ पे गई है। दादी तुम पे गई है? Yeah. ये हमारा चेक पॉइंट भी है। I see. ये हमारे क्लाइंट्स का फेवरेट कैनियनिंग स्पॉट है। डर गई? चॉपर बुलाओ। तुम्हें वापस जाना है। सो डर लग रहा है? दिल्ली वाली हूँ, डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं। Let's see. Are you ready? Yes. Okay, here we go. Oh God. Oh God. Yeah.
हॉट सूप मिस सेठी। I loved today. It was so much fun. I enjoyed every bit of it. लेकिन पहले डर रही थी ना? सिर्फ शुरू शुरू में हाँ, उसके बाद I was fine. Okay. यार एक बात बताओ। हाँ। अगर मेरी जगह कोई भावेश या कोई प्रफुल्ल होता, तो तुम उसके साथ भी ये करते? कि ये मूव सिर्फ लड़कियों के लिए है। I'm sure अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी, she must be so worried कि तुम ऐसी मेरी जैसी ब्यूटीफुल क्लाइंट के साथ ऐसी ट्रैक पे चले गए। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओ प्लीज, मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी, कैजुअली पूछ रही थी। बट क्यों नहीं है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अटैचमेंट से डर लगता है। कमिटमेंट तो हर लड़की की प्रॉब्लम है। कमिटमेंट से नहीं, अटैचमेंट से। बैड रिलेशनशिप्स? लेट मी गेस, गर्लफ्रेंड? नो यार, इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, कुछ अच्छी यादें भी तो होंगी। हाँ, अच्छी यादें भी है, बट हमेशा लगता था यू नो लाइक दिस इज इट, लेकिन इट डिडंट मैटर टू देम। ट्रिप खत्म होते ही सब वापस लौट जाते हैं, यहाँ कोई नहीं रुकता। शायद तुमने किसी को रोका भी नहीं। लिसन, हम ये फ्रेंडली टॉक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अच्छा रिव्यू दूंगी। हाँ ओके ओके, आई एम हंग्री नाउ, वेयर इज फूड? यम्मी। अच्छा एक बात बताओ, यही तुम्हारी लाइफ का ड्रीम था, व्लॉग करना, सबकी बैंड बजाना, सोशल मीडिया में सेलेब बनना? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, डोंट गेट मी रॉन्ग। नहीं, ये मेरा ड्रीम नहीं था। I actually love singing. Singing? तुम हसलो हसलो। Sorry, sorry, sorry. पर मैं ठीक ठाक गा लेती हूँ। तो हुआ क्या? तुम्हारी तरह कोई हंसा मुझ पे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड हंसा और तुमने अपना सपना छोड़ दिया। Come on, Miss Sethi, cheer up. You know what? I have an idea. यहाँ जगह भी ओपन है, बस एक माइक की जरूरत है। माइक 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 माइक। हाँ, ये रहा माइक। Here, Miss Sethi, कुछ सुनाओ। No. यहाँ कोई नहीं है तो कौन हंसेगा? तुम। मैं भी नहीं हंसूंगा, I promise. पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहते हो, ठीक ठाक। क्या तुम बहुत अच्छा गाती हो? तुम बस ऐसे ही बोल रहे हो। नो, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। कहाँ से सीखा तुमने? दादी को शौक था गाने का, उनसे सीखा थोड़ा बहुत। तुम्हारी दादी तो बहुत ही स्पेशल है।
दादी तो सुपर स्पेशल है। और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? हमारा तो पूरा टब्बर है। मॉम, डैड, मेरी छोटी बहन साची, चाचा चाची, मेरे कजिन कृष और कविश, इट्स अ फुल हाउस। वाओ, दैट्स नाइस। तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? सिर्फ मैं। सिर्फ तुम और तुम्हारे मॉम डैड बस? नो मिस सिटी, जस्ट मी, माय मॉम डैड आर नो मोर। आई एम सो सॉरी। मेरी मॉम एक फोटोग्राफर थी। हर फोटोग्राफर का एक स्पेशल ड्रीम होता है। मॉम का भी था, हिमालयन स्नो लेपर्ड को अपने लेंस में कैप्चर करने का। कहती थी कि स्नो लेपर्ड सिर्फ किस्मत वालों को दिखता है। फिर पास के मॉनेस्ट्री से एक दिन खबर आई कि वहाँ एक स्नो लेपर्ड दिखा है। भी नहीं लौटे। अवलांच में उनकी डेथ हो गई। बॉडीज तक नहीं मिली।
What a nice surprise. Nice surprise, right? This place is heavenly. ये वही जगह है जहाँ अक्सर मैं मॉम एंड डैड के साथ आया करता था. ये हमारी स्पेशल प्लेस थी. And this place is so beautiful. ये जगह वाकई बहुत स्पिरिचुअल है. कितनी पीसफुल है. यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है. मिस सिटी, मॉम वाज श्योर कि एक दिन इन पहाड़ों के बीच में उन्हें एक स्नो लेपर्ड जरूर दिखेगा. मम्मा स्नो लेपर्ड दिखा? नो बेबी, प्लीज हेल्प मम्मा. मम्मा यहाँ देखो एक बेबी स्नो लेपर्ड. तुम बचपन में काफी क्यूट थे. थैंक्स. सिर्फ बचपन में. हाँ ओके. जानती हो जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मॉम डैड अभी भी मेरे पास है. और हाँ ये पहली बार है जब मैं किसी को अपने साथ यहाँ लाया हूँ. You sure he's fine? Just give him some time. Completion certificate for the trek. You were really good. Hey Seher, camp ji dhar ki taraf se tumhare sath news. How sweet. Thank you Aditi. You're most welcome. I think we're getting late. We should move. Come, let's go.
Mr. Sehgal, thank you for the most amazing week of my life. तो refund नहीं मांगोगी? We'll see. पेपर वर्क हो रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर फिर आप देखें। करण, ये शहर छोड़ रही है तुम्हारे लिए। शहर? सिटी, यहाँ से लोग हमेशा यादें लेकर जाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि कोई लेकर गया है। The photograph is beautiful. भीगी बारिशों में आज क्या है? बाकी धड़कने है राज क्या है? मीठा क्यों चंदा? दिल उड़ा पतंगा पतंगा दिल उड़ा पतंगा कैसी ख्वाहिशें हैं क्या खला है रात से क्यों लापता है तारे आसमां से क्यों खफा है लम्हा वक्त का बेस्वाद सा है सब क्यों बेरंगा ना किसी का संगा ना किसी का संगा मैं क्यों बेरंगा दिल उड़ा पतंगा पतंगा दिल उड़ा पतंगा इश है दी सहर सोनी लगती है ख्याल च रात सारी लंघदी ओ हुण मुकड़े ते रौनक जेही रहंदी है पुछण सखियां कुछ मैं कुछ कहंदी यादों विच रंगा दिल उड़ा पतंगा दिल उड़ा पतंगा दिल उड़ा पतंगा मैं इस ट्रिप में आई थी ये सोच के कि एक बहुत बड़ा स्कैम पर आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग इन एवरी पॉसिबल वे मनाली की सबसे खास बात ये है कि आप जितना उससे प्यार करो उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार आपको उससे वापस मिलता है And the same philosophy holds true for Camp Ujidhar. Go to Camp Ujidhar, apni life bhi badliye aur dusron ki bhi. This is Saher Sehgal, signing off. Thank you for the wonderful review, Miss Sethi. I meant every word of it. Main Emmy vlogger of the year nahi bani hu. Gotta go now. Meeting Viren. अरे आउट है हां मैं झूठ बोल रहा हूं क्या हां झूठ बोल रहा हूं रुक जा अरे मतलब क्यों मेरा मतलब एक पॉइंट पे है नेक्स्ट सेल करो नेक्स्ट करो
Hey, Seher. One cappuccino for me. Ji. And the usual for madam. Okay, sir. Actually, Keshav, mere liye chai lana. Okay, ma'am. Chai? Do hafte mein chai bhi peene lag gayi. Achhe reviews bhi dene lag gayi. It's been 26 days, Viren. Wow. Time flies. वैसे जब तुमने मुझसे ब्रेक की बात की थी ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था बट देन आई हैड अ ग्रेट टाइम द ब्रेक वाज गुड तुम भी तो मनाली हो ना हमें ना ये ब्रेक्स लेते रहने चाहिए नो विरेन वी शुड ब्रेक अप यू वांट टू ब्रेक अप विद मी विरेन तुमने सही कहा द ब्रेक वाज गुड हम दोनों बहुत अलग हैं विरेन और इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है तुम अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह राइट राइट यू राइट नो हार्ड फीलिंग्स सहर नो हार्ड फीलिंग्स एंड वील ऑलवेज बी फ्रेंड्स या चिल कॉफी पकड़ करण मुझे तुझसे कुछ बात करनी है पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ हाय मॉर्निंग मिस सिटी मॉर्निंग आई हैव गॉट सम न्यूज़ क्या मैंने विरेन से ब्रेकअप कर लिया And I'm feeling so much lighter. Well done, Miss City. लेकिन जब से मनाली से लौटी हो ना हर रात सपने में वो माइक आ रहा है माइक कौन माइक अरे मेरा मतलब है MIC वो गाने वाला माइक ओहो ओपन माइक वो माइक सो क्या करने वाली हो उसके बारे में परफॉर्म करने वाली सच्ची कब आज रात कहाँ हो रहा है ये ओपन माइक उसी जगह साइडवॉक कैफे एक्चुअली आई एम सेवेंथ ऑन द लिस्ट मेरी टर्न अराउंड 9:30 9:45 तक आएगी लेकिन मैंने सबको 9 o'clock आने के लिए बोला यू नो जस्ट इन केस अगर कोई लेट हो जाए तो कम से कम मेरी परफॉर्मेंस मिस नहीं होगी आई मीन आई नीड मॉरल सपोर्ट और क्योंकि यू नो उस तरफ बहुत ट्रैफिक होता है और अगर वो आउटर रिंग रोड अवॉइड करके ही आए तो ही बेटर है और फिर मिस सिटी काम डाउन तुम क्यों घबरा रही हो I don't know. सहर, तुम घबरा रही हो तुमने यहाँ मनाली में क्या क्या नहीं किया और अब एक ओपन माइक से डर रही हो हाँ लेकिन वहाँ तुम थे ना मेरे साथ मिस सेठी चॉपर बुलाऊं क्यों तुम दिल्ली आ रहे हो कि मैं जाके प्रैक्टिस करती हूँ तुम बस ठीक से प्रे करना बाय रुक क्यों गया वो तुझे बुला रही है जा वो बुला नहीं रही वो डर रही है ओपन माइक में गाने से करण डर तू रहा है वो नहीं जब से वो गई है तू खुद से लड़ रहा है क्यों परेशान हो रहा है सहर भी तुझे पसंद करती है तू डर मत मैं नहीं डर रहा करण तू डर रहा है नहीं डर रहा करण तू डर रहा है हाँ मैं डर रहा हूँ डरदा मत किच नहीं होना तू जा What an audience tonight! What an audience! Round of applause! Amazing. Wow, wonderful faces, wonderful people. Fantastic. My name is Ritri Banerjee. I know you all have heard. That wasn't a joke. Well, next up is somebody who we all love.
Ladies and gentlemen, put your hands together, give it up, and welcome India's favorite vlogger, Sahher Sehgal. मेरी पोती होके घबरा रही है देख वी आर ऑल विद यू टीम सहर कम ऑन चल जा जा चल चल जल्दी जा वेलकम सहर द स्टेज इज ऑल योर्स प्लीज टेक ओवर मिस सेठी सहर तुमने सही कहा था कि मैंने किसी को जाने से नहीं रोका लेकिन गलती वो नहीं थी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें जाने से नहीं रोका मैं डर रहा था तुमसे मिलने से पहले पूरी जिंदगी डर के बगैर जिया क्योंकि अगर कुछ हो भी जाता तो शायद मैं मॉम डैड के पास पहुंच जाता लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं जिंदा क्यों हूं नाउ आई नो व्हाई ताकि तुमसे मिल पाऊं सहर इस पल से लेकर मेरी लाइफ का हर पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ आई लव यू रणा तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस खुद पे पहले ना इतना सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना ओ नाम अपना नाल तेरे एक घर में सोचा बारी खुला ते चंद दिख जावे अखा चुभी जे मन लागे ते अख ना लागे प्यार ही उड़े ते प्यार ही खाना विच कोई आवे ते प्यार ही आना दुनिया दे विच ऐसी दुनिया तो दूर हुन नाल तेरे मेरा हर सपना सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना
नजर ना आए मैनू तू दुनिया तो वखरी हो गई उठा तेन तकदा जावा तू ही मेरी नौकरी हो गई मैं नहीं थी भूख लग रही है सहर तू यहाँ इतनी सुबह मामा योगा कर रही थी इन कपड़ों में मामा कैजुअल योगा अच्छा पराठे भी खाते हैं इस योगा के बीच अरे पिनी मेरे पराठे तैयार हैं चल गाड़ी में चलते हैं खाते हैं गाने गाते हैं नमस्ते पिनी योगा कर मोटी हो जा रही है पीजी सोमीन करण जी मैं कल रात कैफे में थी मैंने सब सुना और सब देखा भी अरे पिन्नी को आई लव यू कहने से पहले उसकी दादी की परमिशन तो लेता पिन्नी पिन्नी ओ पिन्नी 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 की कर रहे हैं मेरी गलत जवाब दे डीजी वो क्या इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी आज मेरा हैप्पी बर्थडे है और तुझे पार्टी में तो जरूर आना पड़ेगा जी जी क्या ऐसे आ गले लग ये इतनी सवेरे सवेरे कहाँ से आ रहे हो कहाँ से आ रहे तुम लोगों ने नाश्ता किया ये हो गई ये लौट के करेंगे ग्रंथी जी से मिलने जाना है कीर्तन के लिए खाली पेट थोड़ी ना जा सकते हो ये अरफा रोटी माँ का दिल है सब जानता है लेकिन आप लोग आ कहाँ से रहे हो अब देर नहीं हो रही क्या हाँ भाई चप्पा After the break, चलिए मुद्दे पे आते हैं। हमारे साथ है सुशांत नारंग, the upcoming politician। सुशांत। विरेन, तुम यहाँ भाई का इंटरव्यू सुनने बैठे हो या फोन पर लगे रहोगे? Sorry mom. Switch it off. जी। तो आते हैं अब मुद्दे की बात पे। तो सुशांत, आपने वर्ल्ड के टॉप आईवी लीग बिजनेस स्कूल से MBA किया और उसके बाद अमेरिका में 4 साल एक टॉप की IT कंपनी में नौकरी करी। तो अचानक पॉलिटिक्स क्यों? मिस्टर गुप्ता अचानक नहीं शायद आप भूल रहे हैं कि पिछले 3 सालों से मैं हमारी पार्टी के यूथ विंग में एज अ नॉर्मल पार्टी वर्कर इन्वॉल्व रहा हूँ लेकिन आपकी पार्टी के किसी और नॉर्मल वर्कर को तो आने वाले इलेक्शन का टिकट नहीं मिला टिकट तो सिर्फ आप ही को मिला है ना सुशांत कपिल जी बहुत सारे न्यूज चैनल्स थे जो सुशांत का पहला इंटरव्यू कवर करना चाह रहे थे फिर मौका आपको ही क्यों मिला अब अपोजिशन वाले तो यही कहेंगे ना कि हम स्कूल फ्रेंड्स हैं और इसलिए आप यहाँ बैठे हैं मैं आपकी काबिलियत पर डाउट नहीं कर रही हूँ मेरा कहना इतना ही है कि सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए टू प्रूव देमसेल्व्स डोंट यू एग्री वेल हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम यहाँ रत्ना नारंग द सक्सेसफुल सुप्रीम कोर्ट लॉयर से बात कर रहे हैं या रत्ना नारंग द 3-time सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात कर रहे हैं फिलहाल तो आप सुशांत की माँ से बात कर रहे हैं वेल ऑन दैट नोट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक कपिल गुप्ता तुम सुधरोगे नहीं हां अपनी आदत से बाज नहीं आओगे कहा था कि ये सवाल मत पूछना रत्ना वी हैव टू कीप इट बिलीवेबल आई टोल्ड यू अंकल आपने तो मेरा केस दे दिया एडिट में ठीक कर दूंगा प्लीज सुन वंदना जी बीजी
मेरे बर्थडे पे ना मैं तेरे को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ. क्या? बिन्नी और विरन का ना ब्रेकअप हो गया. क्या? मैंने तो नारंग को आज रात की पार्टी के लिए बुलाया हुआ है. तो क्या हो गया? आएंगे, शॉल चढ़ाएंगे, चले जाएंगे, खाते ही ना जाएंगे. एक और खुशखबरी भी है. अब क्या? पिन्नी को ना किसी और से प्यार हो गया. क्या? पीजी ये तो? कीर्तन पर ध्यान कर, ये बातें करके पाप चढ़ा रही है. एक रो न, माफ करिए. हैप्पी बर्थडे दादी जी. सोना लग रहा है. थैंक यू. नमस्ते आंटी. अरे बस बस बस, करण है. तुम मनाली में कैंप? परसों घर आएगा तब बात कर लेना ना. पार्टी हो रही है, एंजॉय करो. ओके. नताशा, करण. हेलो करण. हाय नताशा. इट्स सो नाइस टू मीट यू. हैप्पी बर्थडे दादी. थैंक यू गॉड ब्लेस. हेलो आंटी. हेलो विरेन बेटा. ये आपके लिए. शहर कहाँ है? यहीं कहीं होगी मॉम. आई विल जस्ट गो गेट हिम. हाय गोनी. हाय नाइस टू मीट यू. ओ हाय करण. हाय नाइस टू मीट यू. Hey, Sahher. Hi, Viren. That's Karan. Manali boy. Yeah, Manali boy. Viren Narang, Karan. Nice to meet. Nice to meet you too. Come, let's get you a drink. Chalo, let's go. Yeah. Yeah. You know, Karan, मैंने तुम्हारे काम का रिव्यू देखा था. शहर सेठी ने आज तक कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं की. You must be very good. I'm just okay. अच्छा, Mom wanted to see you. थैंक यू. शहर, सच सच बताना, यू लाइक दिस गाय? कम ऑन शहर, आई सेड वी आर कूल. विरेन, जब मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था मुझे नहीं पता था मैं और करण. शहर, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो? डू यू लाइक हिम? यस, आई डू. I'm so happy for you. और जैसा कि मैंने कहा था, we'll still be friends. Thanks for understanding, Viren. Come, let's see, Mom. रत्ना जी, वेस्ट दिल्ली में जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसके टेंडर के बारे में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई. सबरवाल साहब, आपने पहले भी जिक्र किया, मेरी जहन में है. मैं look into it. नमस्ते आंटी. नमस्ते आंटी. नमस्ते. साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो. थैंक यू आंटी. और कहाँ हो, इतने दिनों से घर नहीं आए. Aren't you going to join us? Yes, in a bit. What's so funny, guys? Anyway, कल मेरे रेस ट्रैक पे पार्टी है. मैंने शहर को सब बता दिया. Everyone's coming. And Karan, I want to see you there. I'll see you there, man. Yeah? Yeah. See you then. See you. मुझे कभी लगा नहीं था कि विरेन भी बदल सकता है. I was wrong. तो वो गर्ल अपनी गलती मान रही है. अच्छी गाड़ी है. ए शहर. हाय. सो गुड टू सी यू गाइस. नाइस कार. कम ऑन, गेट इनसाइड द कार. यार मुझे जो भी गाड़ी पसंद आती है मेरी कंपनी बीबीटी खरीद लेती है. यू नो आई लव टू ओन द थिंग्स दैट आई लाइक. लगता है तुम्हें भी स्पोर्ट्स कार्स बहुत पसंद है. या चलो लेट्स रेस. रेस वेस का तो पता नहीं पर मजा आएगा. मजा तो जरूर है. ओए
चल 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 जल्दी 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 यार यार सो एक्साइटेड चल 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 बैठ बैठ
खजाना ओ, 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 मिलते रास तुम्हें मिली मंजिल जैसे तू जग की जागीरों से मुझे हासिल ऐसे तू तुझको तलाश तुझको तराश सब कुछ कमा लिया बातें वफाए ना आजमाए नुकसान या नफा लड़ी नहीं अड़ी नहीं संग रहे बस चले फलक फलक मिल के ले बड़े बड़े ताही जाए जाए इशक चलिया वादा तुझे संग लेके रंग लेके दुनिया से अलग दलग जाओ बाहों से बढ़ता ही जाए जाए इशक चलिया सुनिया करना मैं तेरा ख्याल रखना तेनु सारी उम्र संभाल सुनिया करना मैं तेरा ख्याल रखना तेनु सारी उम्र संभाल एक बार जो होना तेरा तेरे नाल चलाया फेरा रंग जाना हुण मैं तेरे रंग चल कुछ गिरे उठे उड़ चल बड़े लगे इशक मुशक लड़े चल बड़े बड़े ताई जाए जाए इशक चलिया गिरे उठे उड़ चल पर लगे इशक मुशक लड़ चढ़ बड़ बनता ही जाए जाए इशक चलिया रेस जीत गए और कहीं और हार गए विरेन माँ हमेशा कहती है कि एक हार से हम अपोजिशन में आ जाते हैं पांच साल तक कोई नहीं पूछता हमें इसीलिए सिर्फ जीतने की आदत डालो जीतने की करण भैया देखो इस फोटो में दीदी के साथ मैं भी हूँ और दादी रिवर क्रॉसिंग के वक्त इतना डर रही थी ना कि इसकी शक्ल देखने लायक थी दादी ही इज लाइंग मैं कभी नहीं डरती आपको पता है डर तो रही थी ट्रस्ट मी इज लाइंग मुझे तो इस मुंडे की आंखों में सच्चाई दिख रही है मुझे भी मुझे भी मुझे भी आप सब लोग इसकी साइड ले रहे हो देखो बेटा मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर सकती तुम्हारी जेनरेशन को समझना बहुत मुश्किल है ये कुछ दिन की डेटिंग फिर ब्रेक फिर ब्रेकअप मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो पर फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ शहर के एक दोस्त की तरह देख रही हूँ लेकिन एक बात तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है मुझे इसकी फिक्र लगी रहती है माँ हूँ ना इसकी आई अंडरस्टैंड आंटी जी बाहर जब मैंने आपकी फैमिली फ़ोटोज़ देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ऐसी यादें तो 10 साल की उम्र में ही ख़त्म हो गई थी आज आप सबसे मिलकर मुझे ये समझ में आया कि शहर आखिर है कौन इसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो कहाँ से आई है मैं बेमतलब इसे ही क्रेडिट दे रहा था आंटी जी मैं समझ सकता हूँ कि आप बस अपनी बेटी का भला चाहते हो और आज आपकी बातें सुनकर मुझे माँ की याद आ गई करण मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है यस दादी तुम्हारे सिक्स पैक सैब्स हैं क्या पूछ रहे हो अरे तुम लोग नहीं दादी नहीं है ये हुई ना बात मुझे तो सिक्स पैक वालों पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है ओके दादी पापा नमस्ते अंकल करण जी गेट आउट पापा ऐसा क्या हो गया चुप इट्स ओके सहर ऐसा भी क्या हो गया कि आपको करण को इस तरह जाने के लिए बोला
अनुराधा, बच्चों को लेकर बाहर जाओ। विरेन आया था आज ऑफिस में। अंकल, जब से शहर मनाली से लौटी है कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। पहले तो उसने मेरे फोन कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, और फिर अचानक से शी जस्ट ब्रोक अप विद मी। फिर मेरे दोस्तों से मालूम पड़ा किसी मनाली के लड़के के साथ घूम रही है। लड़का? कौन सा लड़का? वही जो दादी के बर्थडे पार्टी पे आया था। एनीवे अंकल, आई स्टिल केयर अबाउट हर। मुझे लगा कि कम से कम आपको तो मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। वो शहर का कुछ सामान था मेरे पास, मैंने सोचा लौटा दूं। ओके अंकल। पापा, ये मेरा जिम बैग है। हम दोनों एक साथ जिम जाते थे, उसकी कार में रह गया था। खोलो इसे। इसमें सारा सामान मेरा नहीं है। ये घड़ी तुम्हारी नहीं है, ये हेडफोन्स तुम्हारे नहीं है, और ये समझू बेटा, झूठ बोलने की लिमिट होती है शहर। हमने तुम्हें पूरी आजादी दी है, क्या पढ़ना है, क्या काम करना है, काम के लिए ट्रिप पे जाना है, कभी नहीं रोका। बदले में हमें क्या मिला? कल का लड़का मेरी ऑफिस में आकर ये सब दे दे और मुझसे कहे कि मेरी बेटी किसी और के साथ घूम रही है। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी इन हरकतों का तुम्हारी छोटी बहन पर क्या असर होगा, मुझ पर क्या बीतेगी? कभी सोचो? पापा, वीरेन ने आपसे ये सब कहा और आपने मान लिया, बस इतना ही भरोसा है आपको अपनी बेटी पे? हुआ सर? सॉरी करण। लेकिन हुआ क्या सर? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि विरेन ऐसा भी कर सकता है। इट्स अनबिलीवेबल। सर बेबी, तुमने कॉल किया था विरेन? यू तुम इतना गिर सकते थे, मैंने कभी सोचा नहीं था। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे डैड से अभी सिर्फ प्यार से बात की, वरना मैं चाहता तो उन्हें गोवा वाली फोटोज दिखा देता। कौन सी गोवा वाली फोटोज? नो, एक्चुअली इंटरनेट पे डाल देता हूँ। अरे सब देख लेंगे, फ्रेंड्स देख लेंगे, फैमिली देख लेगी, फॉलोअर्स देख लेंगे। विरेन, कौन सी गोवा वाली फोटोज? लास्ट ईयर हम गोवा गए थे। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे रूम में एक कैमरा था। सहर, मैं सब ठीक कर दूंगा। Just come back to me. I'm waiting for you at Shisha. Love you. Seher, तुम क्यों डर रही हो? डरना तो उसे चाहिए, गलती उसने की है, तुमने नहीं। शर्म तो उसे आनी चाहिए, तुम्हें नहीं।
want that Gucci bag? Anything for you. I know that. तुझे किसने बुलाया? बुलाया किसी ने? लगता है ऐसे ही आ गया. टहलते टहलते. क्या कर रहे हो विरेन? क्या? देखो विरेन, तुम एजुकेटेड हो, एक अच्छी फैमिली से हो, और सहर तुम्हारी पुरानी दोस्त है. ज्ञान देने आए हाँ? देखो विरेन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और अगर कुछ हो भी गया तो इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज वी लव ईच अदर. तू मेरी बंदी को डेट करेगा? तू? सहर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है. है, मेरी प्रॉपर्टी है. चल चल अब दफा हो यहां से और भेज उसको यहां अभी के अभी. सहर यहां नहीं आने वाली. That witch will have to come here. बहुत से लोग अफेक्ट होंगे, बट दिस नीड्स टू बी डन. कुछ दिन पहले आई ब्रोक अप विद माय बॉयफ्रेंड. ही सीम्ड टू बी फाइन विद इट. फिर मुझे रियलाइज हुआ दैट ही वाज प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी. अगर बात मुझ तक ही रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ही ड्रैग्ड माय फैमिली इनटू इट. उसने मेरी फैमिली को झूठी कहानी सुना के ही टर्न्ड देम अगेंस्ट मी. और अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं उसके साथ पैचअप नहीं करूँगी तो उसके पास मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो उसने सीक्रेटली खींची और वो उन्हें अब लीक कर देगा. मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी, पर फिर मुझे किसी ने रियलाइज कराया कि शर्म उससे आनी चाहिए मुझे नहीं, डर उससे लगना चाहिए मुझे नहीं, नींद उसकी हराम होनी चाहिए मेरी नहीं. सो नाउ आई विल नेम हिम. Shame him. No. He is Viren Narang. No. मुझे मालूम है ये कहाँ है. चलो. सहर. सहर. I'm up here. You. You bloody सहर. करण विरेन आ गया. तुम कहाँ हो? Delete that bloody video. क्यों? Not enjoying your game? This is not a game, Seher. तूने मेरी family को involve किया है. Family हो? कि तुम्हें मेरी family को involve करने से पहले सोच लिया था मेरे. Please stop it. मेरी phone. नहीं तुम. मेरी. फोन दे. फोन दे इधर. डर लग रहा है? हाँ. कि तुम्हारी phone को पता चल गया तो. तो बेटा तू. इसे बॉडी जाके उसको रोक यार. Personal problem है. Let them handle it.
कहा वो सच है? मॉम, मैंने पूछा क्या सच है? और कितनी लड़कियों की नंगी तस्वीरें हैं तुम्हारे पास? इसकी इस गलीज और घिनौनी हरकत ने मेरी 21 साल की रेपुटेशन पर पानी फेर दिया। इस वीडियो के वायरल होने का मतलब समझते हो तुम? कल मीडिया और ऑपोजिशन हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इलेक्शन सर पे हैं और तुम अपना ही ना। वो विरेन और अपने भाई की तरफदारी करने से पहले दो बार सोच लेना तुम। मॉम, विरेन और सहर का झगड़ा हुआ, सहर हॉस्पिटल में, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। गलती है, मिस्टर सेठी। यस, कैसे हो? मिस्टर सेठी, सहर को जब यहाँ लाया गया था, शी वॉज ऑलरेडी इन कोमा। कोमा? कोमा? जी, शी हैड सफर्ड अ हेड इंजरी विद एपिड्यूरल हेमाटोमा, मतलब उसके ब्रेन और स्कल के बीच एक बहुत बड़ा क्लॉट हुआ था जिसे उसकी जान जा सकती थी। उस क्लॉट को निकालने के लिए हमने एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। तो अब सहर ठीक हो जाएगी ना? करंटली शी इज इन द आईसीयू अंडर ऑब्जर्वेशन, और अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है। वी विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू। इस घटना ने एक बार फिर से पूरी दिल्ली को शॉक कहा जा रहा है कि विरेन नारंग ने सहर सेठी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। It has now been confirmed that Sahher Sehgal has been in a state of coma after an alleged assault by Viren Narang. मैडम, वो वीडियो हमने मैक्सिमम वेबसाइट से तो हटवा दिया है, लेकिन ये व्हाट्सएप और पर्सनल मैसेजेस पे वायरल होने से नहीं रोक सकते। उन्हीं का बेटा है यार। हाँ।
करण बेटा, कुछ देर के लिए मैं बैठ जाती हूँ, तुम्हें बाहर बुला भी रहे। जी। देखिए, पहले मैं उससे बात करता हूँ। करण ना हुक्का बार में जो मारपीट हुई उसका केस दर्ज हो गया है, ये तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी ही है। तू गया था ना शहर को बचाने, इसीलिए ये लोग तुझे अरेस्ट करने आए। देख क्या रहे हो, ले जाओ। हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, आप भी कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए। ले छोरे, तमीज से, क्रिमिनल नहीं है ये। पुत्र तो फिक्र ना कर। जी। कोई नई कंट्रोवर्सी पैदा करनी पड़ेगी पूरा ध्यान हटाने के लिए। वो मैच फिक्सिंग का जिक्र किया था। That's not concrete. उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। It will take some more time. और वो सहरावत का स्टिंग अगर वो अभी लीक कर दे तो? That's quite an idea. But he's again an opposition leader. तो तुम्हें अपनी पार्टी हाई कमान से परमिशन लेनी पड़ेगी। और मारो! ये वीरेन की बेवकूफियां कम थी कि तुम भी लग गए? उस लड़के को पिटवा कर क्या मिलेगा तुम्हें? मैं तो बस उसे हमारी पावर दिखा रहा था। लड़के बॉय को। जी। बस। अगर इलेक्शंस नहीं होते तो तुझे यही काट देता। अगर शहर को कुछ हो गया तो तुम सबको यही काट दूंगा। वापस ले जाओ उसे। सेठी, तुम तो आईलाइनर के बगैर भी खूबसूरत लगती हो। पूरा देश नारंग के स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा है, लेकिन देने वाली बात यह है कि नारंग के घर के बाहर हजारों की भीड़ जमा है। जनता के आक्रोश की आवाज। जी, आप इस शहर सेठी केस के बारे में कुछ कर रही हैं कि नहीं? पार्टी हाई कमांड में हम सब बहुत चिंतित हैं और अपोजिशन वाले भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। त्रिपाठी जी, अपोजिशन वाले इन मामलों में कुछ कम हैं क्या? अगर सहरावत का स्टिंग ऑपरेशन अभी लीक कर दें तो? नहीं 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 नहीं, पार्टी ने उसे इलेक्शन वीक के लिए रखा हुआ है और उसे इस तरह से आप अपने निजी मामले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती और ये उचित भी नहीं होगा। त्रिपाठी जी, 21 साल अगर मैंने अपना कोई परिवार माना है तो वो है ये पार्टी। अगर पार्टी के अलावा मैंने अपने परिवार पर ध्यान दिया होता तो ये, पर अब तो लग रहा है कि 21 साल का दिया बलिदान भी कम पड़ रहा है पार्टी। देखो रत्ना जी, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता, और मुझे भी ये लगता है कि वो ही सही होगा। सुशांत का टिकट तक कैंसिल हो सकता है। सुशांत की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, अभी उसकी मां है,
और रही बात मेरी तो एक हफ्ते में ये सारा मामला सुलट जाएगा। और हाँ, पार्टी में जो मेरे शुभचिंतक मेरा तर्पण करने को तैयार बैठे हैं उन्हें जरूर कह दीजिएगा कि रत्ना नारंग के श्राद्ध का भी समय नहीं हुआ है। आज सहर सेठी केस की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने दर्शकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाए हैं नताशा सबरवाल के साथ। नताशा, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप हमें बताएंगे आप सहर सेठी को कितने सालों से जानते हैं? बचपन से। और वीरेन नारंग को? पिछले 2 सालों से। तो क्या आप हमें बताएंगे कि दोनों के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ था? सहर और वीरेन एक दूसरे को पिछले 2 सालों से डेट कर रहे थे और फिर वीरेन ने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसे पता चला कि सहर उसे चीट कर रही थी। झूठ बोल रही है? चीट किसके साथ? करण सहगल। वही करण सहगल जिसके एडवेंचर कैंप को रिव्यू करने के लिए वो मनाली गई थी। प्लीज कैरी ऑन। उसके बाद सहर वीरेन को हरास करने लगी कि वीरेन उससे पैच अप कर ले। एक्चुअली सहर को रियलाइज हो गया था कि उसके लिए ये लाइफस्टाइल छोड़ना आसान नहीं है। शी लव्ड इट, द पार्टीज, द फास्ट कार्स, द एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। तो फिर क्या हुआ? फिर वीरेन ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश करी प्यार से कि वो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था एंड दैट शी शुड मूव ऑन। एंड दैट्स व्हेन सहर ने उसे धमकी दी कि अगर वो उससे पैचअप नहीं करेगा तो वो उसकी और उसकी फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए सहर ने वो वीडियो बनाया जी। तो आपका मतलब सहर ने उस वीडियो में जो भी कुछ बोला वो सब झूठ है? वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, बहुत गुस्से में थी और उसका ईगो हर्ट हो गया था। दैट्स व्हाई शी डिड ऑल दैट। और वीरेन नारंग पर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं कि उनकी वजह से सहर कोमा में है, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें वीरेन की कोई गलती नहीं है, वो तो बस सहर को रिक्वेस्ट कर रहा था कि बस वो वीडियो डिलीट कर दे। पर नशे में सहर वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, उसे गालियां देने लगी, उठा उठा कर उस पर चीजें फेंकने लगी और जब वीरेन ने उसे रोकने की कोशिश करी तो वो एक्सीडेंटली गिर गई। नताशा, हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि वीरेन से पहले सहर ने एक लड़के को इसी तरीके से ब्लैकमेल किया था और उसने परेशान होकर अपनी जान लेने की कोशिश की। नताशा, ये सब क्या कह रही है? ये हमारी बेटी जैसी। नताशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। गुड लक। थैंक यू। कैट, गॉट इट। गुड जॉब मितु, वेल डन नताशा बेटा। मारो तो। थैंक यू। ले लीजिए 2000 करोड़ रुपए का टेंडर है सबरवाल साहब। पार्टी तो आज रात को ही बनती है। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस ऑल। गाइस, सब काम बंद कर दो, लीगल नोटिस आया है। सर, सर, सहर सेठी केस में जो सनसनीखेज मोड़ आया है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ज्यादातर रिव्यू से साफ जाहिर होता है कि ये उनका पुराना पैंतरा है। किसी इज्जतदार फैमिली को बदनाम करने की ये सारी साजिश थी और कुछ नहीं है। धन्यवाद। सहर सेठी के वीलॉग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल ना ये नया फैशन शुरू हो गया, किसी को भी बदनाम करना हो ना तो उसको इंटरनेट पे डाल दो। और फिर क्या हुआ? उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसी की बोल खोल दी। ये हाई सोसाइटी लड़कियां ऐसी होती हैं। लुक, आई डोंट बिलीव इन नेमिंग एंड शेमिंग ऑन द इंटरनेट। इट्स जुवेनाइल बिहेवियर। देयर इज अ जस्टिस सिस्टम फॉर ऑल दिस। शी कुड हैव परस्यूड इट लीगली। सर, के ना कुछ फोटोज इंटरनेट पर लीक हुए हैं, क्या वेरीफाई कर सकते हैं आपकी बेटी है या नहीं?
कोई कुछ भी कह दीजिए, हमारी शहर ऐसी नहीं। रब से भरोसा। मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मी क्या हो गया? ये किस वजह से हम सब सहर दीदी के बारे में गलत गलत बोलते हैं और फिर वो सीनियर बॉयज भी। मैं बहुत चुप तो मत रो। हमने दीदी प्लीज उठ जाओ। दीदी प्लीज सबको सच बता दो। दीदी प्लीज उठ जाओ। मेरी शहर से माफी मांगनी होगी। देख इन सबकी हालत। तूने मेरी शहर का क्या हाल कर दिया। माफी मांग इससे। माफी मांग। नहीं मांगता। माफी तो तू मांगेगा। मेरी मौत तुम लोगों का जो हाल करेगी। सब ले लिया।
जाओ मिस सेठी। मनमुखी